हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और एडेनियम के कामों में व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। आज कई दिनों से लगातार फरवरी से ही दोस्तों एडेनियम की प्रूनिंग, कटिंग, रिपोर्टिंग का ही सिलसिला चल रहा है। कारण ये है कि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो जो बिगनर्स हैं उनको जानकारी देना हम सबकी ड्यूटी बनती है। तो चलिए वीडियो को आज मैं बताना चाहती हूँ कि प्रूनिंग आपने कब करी है और अगर प्रूनिंग कर ली है तो प्रूनिंग के क्या फ़ायदे हैं। प्रूनिंग का ही सारा वीडियो है दोस्तों। और अगर प्रूनिंग नहीं की है तो अब प्रूनिंग का समय लगभग निकल चुका है। अगर आप अब प्रूनिंग करोगे तो हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ जाए। पहले प्रूनिंग एक या दो, पहले मैंने आज से एक महीना पहले फरवरी से ही लगभग, दोस्तों अभी देखिए मेरे प्लांट में कलियां भी शुरू हो गई, बड़ी खुशी होती है। तो मैंने एक फरवरी में ही एडेनियम के प्रूनिंग के वीडियो बना रखे थे, साथ में उसके बारे में जानकारी भी मैंने बहुत बार दी है दोस्तों। फिर भी थोड़ा दे सकती हूँ, दे रही हूँ, क्योंकि अब अगर आप प्रूनिंग करोगे तो उसमें फुटाव आते आते पूरा अप्रैल, मार्च और अप्रैल आधा निकल जाएगा, हमको फ्लावरिंग मिलेगी कहीं जाके मई में। तो इस वजह से अभी हमको प्रूनिंग करना है तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। जो ज़रूरी जानकारी है दोस्तों, आप सभी को अपने प्लांट की प्रूनिंग लगभग कर ही ली होगी, और जिन्होंने प्रूनिंग कर ली है दोस्तों उनके प्लांट में इस तरह से मल्टीपल फुटाव भी आ चुके होंगे, और अगर नहीं प्रूनिंग की है तो उन प्लांटों में भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ग्रोथ के साथ साथ कलियां भी आना शुरू हो गई हैं। जिनकी प्रूनिंग हम लोगों ने फरवरी में कर ली उनमें फ्लावरिंग अभी मार्च से ही हमको मिलने लगेगी, कलियाँ भी आ चुकी हैं, मार्च से ही फ्लावरिंग आ जाएगी। तो अगर आपकी प्रूनिंग करना चाहते हैं और प्रूनिंग अब कर रहे हैं तो प्लांट को नुकसान हो जाएगा, प्लीज़ प्रूनिंग मत करिएगा। देखिए फरवरी के किए हुए प्लांटों में सारे में फुटाव भर भरा के आ चुके हैं। मैं रोज आती हूँ, चेक करती हूँ किस प्लांट में कितने सारे फुटाव हैं। अब इसको गिनती करके बताऊँगी, एक ब्रांच में कम से कम दोस्तों, बहुत पास से दिखा रही हूँ, एक ब्रांच में 8-8, 9-9 फुटाव हैं। तो फरवरी का ही महीना जो होता है हमारे एडेनियम प्लांट की प्रूनिंग के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर बेनिशियल टाइम मतलब बहुत ही लाभकारी फायदेमंद समय है फरवरी का महीना। फरवरी में अगर आप प्लांट की प्रूनिंग कर लोगे तो बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है, और अगर लेट हो जाएगा तो आपको प्लांट की प्रूनिंग मत करिए, कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए मैंने इस प्लांट की ना तो प्रूनिंग की है और ना रिपोर्टिंग की है, तो इस प्लांट में किस तरफ से ग्रोथ कम है, सब तरफ ग्रोथ भी आ चुकी है। क्योंकि इसकी प्रूनिंग मैंने इसलिए नहीं की दोस्तों, क्योंकि पिछले साल मैंने इनकी प्रूनिंग करी थी, हार्ड प्रूनिंग के बाद देखिए कोडेक्स के ऊपर से गिन नहीं सकती हूँ कि कितनी ब्रांचेज आई थी। अब इस प्लांट को मैं प्रून नहीं करूँगी। जिन प्लांटों की बोनसाई बनानी थी दोस्तों, देख लीजिए आप पास से, इन प्लांटों को मैंने बोनसाई बनाया है और इनकी इस तरह से हार्ड प्रूनिंग की है, बोनसाई वाले प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की है। मगर जरूरी नहीं कि हर प्लांट को बोनसाई बनाए, मुझे ये प्लांट को पेड़ बनाना है। देखिए 4-5, 4.5 फुट का ये प्लांट हो गया है, और जब सब तरफ से इसमें फ्लावरिंग आती है दोस्तों तो बेहिसाब फ्लावरिंग आती है और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो इस तरह से अगर आपको प्रूनिंग करनी है तो फरवरी में करिएगा, और नहीं तो आप मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है फरवरी में नहीं किया है तो आप अक्टूबर में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्लावरिंग और ग्रोथ हमको मार्च में मिलनी चाहिए, तो अगर आप अब प्रूनिंग करोगे तो इस फ्लावरिंग को हम मिस कर देंगे। जो मार्च की फ्लावरिंग हमको पानी चाहिए वो हमसे छूट जाएगी, वो हमको मिल नहीं पाएगी। इसलिए अब प्रूनिंग बिल्कुल मत करिए। नहीं प्रूनिंग करेंगे तो भी प्लांट में
देखिए ग्रोथ भी आएगी और फ्लावरिंग भी आएगी। यदि आपको जिन प्लांटों की अक्टूबर में प्रूनिंग कर ली है उनको दोबारा प्रूनिंग मत करिए। एक आध प्लांट जो है इस प्लांट की मैंने प्रूनिंग अक्टूबर में ही की थी, देखिए तब भी इसमें बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस हैं और फुटाव भी आने लगे हैं पास से, देखिए इसकी प्रूनिंग मैंने अभी नहीं की है। तो जरूरी नहीं है कि फरवरी में करिए, अक्टूबर में भी आप कर सकते हो। जिन पौधों की ग्राफ्टिंग करनी है दोस्तों, मेरे पास तो ऐसे प्लांट बहुत कम है जिनकी मैं ग्राफ्टिंग करती हूँ, क्योंकि मैं जो इनसे कटिंग्स निकलती हैं, कटिंग का वीडियो भी डाला है, मैं इन कटिंग्स को लगा लेती हूँ और कटिंग भी ग्रो हो जाती हैं। अब आपको पास से दिखाना चाहती हूँ, देखिए ये प्लांट मेरा कटिंग ग्रो है किस तरफ से खराब है, बहुत सारी फ्लावरिंग देता है। ये प्लांट देखिए ये भी कटिंग से लगाया हुआ है, ये वो प्लांट है जो बड़ा सा गुलाब जैसा फूल लाल लाल होता है हमारे गार्डन में है, ये देखिए ये उसी का कटिंग निकलती है और मैं लगाती चलती हूँ। मेरे पास कटिंग से निकले हुए बहुत सारे प्लांट हैं, मैं इसका वीडियो आपको डाल चुकी हूँ दोस्तों। तो कटिंग से भी लगा लेती हूँ और प्रूनिंग का फायदा तो आप सभी को पता है, मल्टीपल ब्रांचेज आती हैं, पोडेक्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और देखिए जिस आकार में आप चाहोगे उस आकार में कोडेक्स बना सकते हो। प्रूनिंग का एक ये भी फायदा होता है कि बहुत सारी ब्रांच आपको मिलेंगी, एक ब्रांच पर 10-10 ब्रांच मिलेंगी और कोडेक्स का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अब सारे प्लांटों की आपको ग्रोथ दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। कई वीडियो लगातार मैं आज एक महीने से प्रूनिंग कटिंग रिपोर्टिंग सबका देना चाहती हूँ। अब मैं आपके सामने प्रूनिंग का अपडेट भी लाई हूँ जो आपके सामने है। प्रूनिंग का अपडेट है देखिए, ये फरवरी के फर्स्ट वीक में ही मैंने प्रूनिंग की थी, बिल्कुल सटीक समय था और फुटाव आपके सामने है। एक प्लांट में नहीं सारे प्लांटों में मैं फुटाव दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। तो प्रूनिंग अब मत करिएगा, ऐसा नहीं है कि प्रून नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट फूल नहीं देंगे। अगर आपको इस तरह से बड़े प्लांट बनाने हैं, मदर प्लांट बनाना है, ये देखिए मदर प्लांट में भी कलियां आना शुरू हो गई हैं दोस्तों। इस प्लांट को भी मैंने प्रून नहीं किया है क्योंकि इसकी प्रूनिंग मैंने पिछले फरवरी में की थी, बहुत हार्ड प्रूनिंग की थी। देखिए यहाँ से सारी ब्रांचेज निकल के आई, एक एक ब्रांच पे 12-12 10-10 ब्रांचेज निकल के आई हैं। अब इनकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सुंदर मदर प्लांट और ये पेड़ बन चुका है। तो प्रूनिंग का समय अब निकल चुका है। कई लोगों ने बोला है कि मैम हम अभी प्रूनिंग कर सकते हैं, तो शर्लिना जी आपके लिए मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप मेरे वीडियो को लगातार पूरा देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके प्लांट में फुटाव नहीं आ रहे हैं तो पेशेंस रखिए। हम लोग जो ब्रांचेस मोटी वाली काट देते हैं, हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, देखिए इसमें छोटी ब्रांचेस थी, पतली थी, तो इसमें फुटाव आ गया, इसमें अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत हार्ड प्रूनिंग थी, मोटी मोटी शाखाएं थी। तो शर्लिना जी आप परेशान मत होइएगा, फुटाव आपके प्लांट में भी आएगा। अब कई लोगों के सवाल आए कि प्रूनिंग के कितने दिन बाद मैम हम पानी दें, तो प्रूनिंग के 4 और 5 दिन के बाद दोस्तों आपको पानी देना है। और पानी सादा पानी कभी मत दीजिएगा, कई वीडियो में सुझाव दे चुकी हूँ कि आपको सादा पानी एडेनियम के प्लांट में अभी नहीं देना है जब तक फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो जाती है। फ्लावरिंग आने के बाद आप सादा पानी दे दीजिएगा, अभी मत दीजिए। और अभी इतना भी पानी नहीं देना है कि जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं, जो खाद पानी दे रहे हैं, वो नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए, इतना पानी आपको अभी नहीं देना है जब तक फ्लावरिंग ना जाए, पूरी पेड़ पत्तियों से भर ना जाए। क्योंकि हम पानी ज़्यादा देंगे, पत्तियां हैं नहीं, फ्लावर हैं नहीं, तो पानी सारा कोडेक्स में स्टोर हो जाएगा और कोडेक्स में रूट रॉट होने का खतरा बना रहेगा, बराबर बना रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आपको अभी भी जानकारी देना चाहती हूँ कि आपको
पूरी सुझाव के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपने एडेनियम के इन फुटावों को सेफ रखना है, और हफ्ते में एक बार फंजीसाइड पाउडर के घोल का स्प्रे मैं दिखा भी दे रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको एक लीटर पानी में थोड़ा सा फंजीसाइड, एक हाथ पे कैमरा है, एक हाथ से काम कर रही हूँ, इस तरह से आपको फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहना है, जिससे कि ये समय ऐसा है कि कई छोटे छोटे इंसेक्ट, मिलीबग हमारे प्लांटों पर अटैक कर सकते हैं, कलियों को खा सकते हैं। देखिए इस प्लांट में भी कली आ चुकी है, ये कटिंग से ग्रो था, ये देखिए कलियां छोटी छोटी आ गई हैं, तो हमारी कलियों को कोई कीड़े मकोड़े खा ना पाए, फंगस लगने ना पाए, पानी का फंजीसाइड पानी का स्प्रे आपको ज़रूर करते रहना है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करिएगा, पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। मदर प्लांट पे भी छिड़क देती हूँ फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे, आपको हफ्ते में एक बार ऊपर की ब्रांचों में, एक बार नीचे की जड़ों में इस तरह से पानी दे देना होगा। आपका प्लांट पूरी तरह से सेफ रहेगा, ना तो कभी इसमें फंगस लगेगा, ना रूट रॉट होगा। देखिए लास्ट बार बता दे रही हूँ कि कभी भी सादा पानी मत दीजिएगा, और ऐसी जगह रखिए दोस्तों जहाँ पर सभी को पता होगा। देखिए मैं वीडियो बनाने आई थी, अभी दिन के 9 भी नहीं बजे हैं और यहाँ पर पूरी प्रॉपर धूप आ गई है, तो आपको सभी को पता है कि इनकी दिशा को आपको बदलते रहना होगा। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जिस तरफ धूप ज़्यादा लगती है उस तरफ दोस्तों इसमें फुटाव जल्दी आ जाता है, फुटाव आ जाता है, तो जिस तरफ आपको फुटाव नहीं है उस तरफ से आपको इस तरह से गमले को घुमा के धूप की दिशा में रख देना होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि एडेनियम प्लांट की जानकारी देना भी ज़रूरी है। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, धूप आ गई है, वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू।